किसानों के चक्का जाम के ऐलान को देखते हुए आज दिल्ली में जगह जगह पर भारी पुलिस का बंदोबस्त है। 40,000 जवान दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो अलग अलग इलाकों में तैनात हैं, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITO पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस का कड़ा इंतजाम है। जिस दिन 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली हुई थी और उस वक्त देखने में आया था कि ITO पर भी किसानों और पुलिस के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ था। कई घंटों तक यहाँ पर जो काफ़ी संघर्ष हुआ था और किसान यहीं पर डटे रहे थे। और दूसरी तरफ पुलिस ने इसके अलावा जो आसपास के मेट्रो स्टेशन हैं, जिसमें ITO, दिल्ली गेट, मंडी हाउस और इसके अलावा प्रगति मैदान या फिर और जो लाल किले के आसपास है, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद और जो सेंट्रल सेक्रेट्रेट के आसपास हैं, जनपद सेंट्रल सेक्रेट्रेट, तमाम मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट को बंद किया है। एहतियात के तौर पर 15 मेट्रो स्टेशन हैं जिनको अलर्ट पर रखा गया था, जिनमें से ये 8 मेट्रो स्टेशन अभी फिलहाल बंद किए गए हैं। और इसके अलावा जो बॉर्डर्स के इलाके हैं वहाँ पर भी बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। और जो इलाके, खासकर जो लाल किला, जो जिस दिन जब 26 जनवरी के दिन जो ट्रैक्टर रैली हो रही थी और वहाँ पर जिन जगहों पर हिंसा हुई थी, वहाँ पर भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। यानी कि साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को ये संदेश देना चाहती है कि किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालाँकि जो तमाम किसान संगठन है, उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली में और UP में चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं। कमिश्नर अमित के साथ प्रबल कौशिक, News24 दिल्ली।